ये पैरामिलिट्री फोर्स के जो नौजवान हैं वो पद यात्रा नागपुर से शुरू की है और दिल्ली जंतर मंतर पर जाएंगे और मैं दिखाना चाहूँगा कि कितने छात्र हैं जो नागपुर से चलकर जंतर मंतर पर जाएंगे और वहाँ अपना दर्ज, क्योंकि इनकी नियुक्ति पत्र इनको नहीं दिया गया, जो वैकेंसी थी हैं उनको काफ़ी जो सरकार ने इनको नियुक्ति पत्र नहीं देने की वजह से ये पैदल वहाँ से यात्रा शुरू करी है और दिल्ली जंतर मंतर पर जाएंगे। सरकार से मांग करेंगे कि ये नियुक्ति पत्र इनको दी जाए, तब तक धरना वहाँ पर जारी रहेगा। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या इनका मकसद है, क्या इनकी मांग है, क्या डिमांड है। तो क्या नाम है? काजल जी, जो आप पदयात्रा कर रहे हो किसको लेकर, सर क्या मामला है, क्या मांग है आपकी? सर, SSC ने 2018 में सर पैरामिलिट्री फोर्स की भर्ती निकाली थी, जिसमें सर 8 पैरामिलिट्री फोर्स की भर्ती होती है, जैसे कि CRPF, BSF, ITP, NIA, SSB, SSF। तो इसमें उन्होंने 60,210 की भर्ती निकाली थी, उसमें उन्होंने 55,000 समथिंग की उन्होंने कुछ नियुक्ति पत्र दे दी और बाकी जो बचे जो सीट है 5,000 समथिंग जो सीट है वो सिर्फ उन्होंने वैकेंट छोड़ दिया। तो हमारी डिमांड यही है कि जितने मार्च वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें प्राथमिकता, उन्हें प्रायोरिटी देते हुए वो सीट भरी जाए। तो आप कहाँ से चले, कितने दिन हो गए आपके चलते और कहाँ तक आपकी अपन यात्रा जाएगी? सर, नागपुर के संविधान चौक से चौक से 1 जून 2022 से हमने पदयात्रा शुरू की थी और आज हमारा 57 डेज से हमारे पदयात्रा। तो कहाँ पर आपकी समापन होगी पदयात्रा? सर, दिल्ली के जंतर मंतर। अगर सरकार आपकी बात को नहीं मानती है, आपकी नियुक्ति पत्र नहीं देती, तो अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम हमारा यही होगा कि हम वो करेंगे आने वाले समय पे जो पूरा दिल्ली जानेगा और साथ ही साथ पूरा इतिहास भी जानेगा, क्योंकि सर जब तक हमें अपना न्याय नहीं मिलता, हमें अपनी हक की वर्दी नहीं मिलती, हम तो घर जाने से रहे। अगर इसके लिए हमें रास्ते में अपने प्राण भी गंवाने पड़े सर, तो भी हमें वो स्वीकार है। तो देखा कि किस तरह से इनका कहना कि प्राण भी गंवाने पड़े, लेकिन इनका प्रश्न लगातार और भी हमारे साथ, उनसे भी हम बात करते हैं कि आप लोग कितने आप छात्रा छात्रा हैं जो इस पैदल यात्रा में चले हैं? 220। तो मतलब क्या आप खाने पीने का कैसे इंतजाम करते हैं? आप दिन भर चलते हैं या 24 घंटे चलते हैं, विश्राम भी करते हैं? दिन भर चलते हैं सर, कभी कभी कहीं पे खाना मिला तो खा लेते हैं। और जहाँ भी प्रशासन अगर कोई मदद करता हो तो हम मदद करते हैं। जो भी कुछ खाने को मिलता है। तो कितने छात्र छात्राएं हैं? 220। नहीं, तो मतलब छात्राएं कितनी है, छात्र कितने लगे? 34 छात्र हैं। तो आप मतलब जैसे सुरक्षा के रास्ते में किस तरह के इंतजाम मिले आपको, पुलिस की किस तरह सहायता, प्रशासन किस तरह सहायता मिल रही? अभी तो फिलहाल अच्छी मिल रही है सर। अच्छा, आगे देखिए। अगर सरकार आपको नियुक्ति नहीं देती है तो क्या कदम होंगे आपके? हमारे यही कदम होंगे सर, अगर हमें रास्ते में कुछ कई बार हमें प्रशासन की तरफ से ये नहीं मिलता है, लेकिन अगर रास्ते में हमें नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा, अगर नहीं बोला जाएगा, तो हम ऐसे ही जारी रखेंगे हमारा जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन। तो इनका कहना है कि उनका शांतिपूर्ण प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और उनको जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता तब तक उनका जंतर मंतर पर धरना भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि इन सभी छात्र छात्राओं का कहना है कि उनको प्राण भी त्यागने पड़े, उसके लिए भी वो तैयार हैं, क्योंकि जो सरकार ने उसको उनको नियुक्ति पत्र अब तक नहीं सौंपे हैं उसको लेकर इनकी पैदल यात्रा नागपुर से शुरू होकर जंतर मंतर दिल्ली पर जाकर ये समापन होगी। जिस तरह से तिरंगा हाथ में लेकर ये सभी छात्र छात्राएँ नागपुर से निकले हैं और दिल्ली के लिए रवाना हुए, अब देखना होगा कि सरकार इनको कब तक नियुक्ति पत्र देती है, जो उनकी मांग है उनको कब तक पूरा करती है या नहीं। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज़।